सब्सक्राइब कीजिए नेशनल हेल्थ कार्ड चैनल को और दबाइए बेल आइकन हेल्थ रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और कॉम्प्लेक्स मेडिकल इन्फॉर्मेशन को भी आसान भाषा और मजेदार तरीके से जानने के लिए। अगर आप बहुत सीरियस मूड में हैं, तो नीचे दिए गए टाइम्स के सहारे सीधा अपने टॉपिक पर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, छोटे डॉक्टर साहब। हाँ जी, कहिए। मेरे पिताजी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। 78 साल के हैं, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों बीमारियां हैं। प्रेशर की दवाई 3 दिन पहले खत्म हो चुकी थी, पर हमें बताया नहीं। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तब जाके बता रहे हैं। छोटे डॉक्टर साहब, जल्दी से कुछ कीजिए। हेलो भाई, तू घर पे है? हाँ भाई। यार आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ब्रो वाली सर्विस सही है या डॉक वाली? डॉक वाली ब्रो, कल से बुखार है, आज सुबह सुबह उल्टी भी की। दवा लगे तो दे देना और प्रेशर भी चेक कर दियो। इमरजेंसी कंडीशन, बड़ी या छोटी बीमारियां या रूटीन हेल्थ चेकअप, लगभग हर वक्त ब्लड प्रेशर भी मापा जाता है, क्योंकि ये उन 4 मेटल्स में से एक है जिनके बदलने पर शरीर पर असर पड़ता है या शरीर में कुछ गड़बड़ होने पर इनमें बदलाव आते हैं। ऐसे में कई लोग चाहते हैं कि घर बैठे ही ब्लड प्रेशर मापने की सुविधा हो ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो सके। Everything seems okay. लगता है अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अरे इनका प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, अभी कोई रिस्क नहीं लेने का, सीधा हॉस्पिटल में ले जाने का। और मैंने तुझे पहले भी कहा था कि अगर किसी आदमी का प्रेशर 180 और 110 से ज्यादा हो और उसे देख के लगे कि आदमी आदमी नहीं पेशेंट बन चुका है, तो सीधा हॉस्पिटल में ले जाने का। कहाँ ले जाने का? जी हॉस्पिटल में। और इसके लिए आपको चाहिए एक बीपी मशीन और एक स्टेथोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, आज मैं करूंगा बीपी मशीन की अनबॉक्सिंग, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे मापते हैं ब्लड प्रेशर और बताऊंगा कि किस टाइप की बीपी मशीन खरीदना आपके लिए होगा फायदेमंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायन, आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी, तो चलिए शुरू करते हैं मेडिकल गुरुजी सीरीज ओनली ऑन नेशनल हेल्थ कार्ड। बीपी मशीन या ब्लड प्रेशर मशीन, इसका असली नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये 3 तरह के होते हैं, मर्करी, एनेरॉइड और डिजिटल या ऑटोमेटिक। तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकिन वीडियो के एंड में। अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर की, क्योंकि इसे ही स्टैंडर्ड स्फिग्मोमैनोमीटर माना जाता है। ये है मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर का बॉक्स। बाहर से तो कुछ खास नहीं है, लिखा हुआ है मर्करी ग्रेविटी इंस्ट्रूमेंट और एक पिक्चर भी बनाया हुआ है। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये हमने प्लास्टिक को भी हटा लिया। बाहर से स्फिग्मोमैनोमीटर काफी डल दिखती है, लेकिन चलिए देखते हैं इसकी इनर ब्यूटी। ये है फ्रंट लॉक, इसको दबाने से लिड ओपन हो जाता है। ये देखिए, स्फिग्मोमैनोमीटर मापना हमें ब्लड प्रेशर, ओनली एनर्जी पर गाना मिलेगा। अब बात है कि ये चीज काम कैसे करते हैं। पहले इस वाल्व को बंद करना पड़ेगा। अब इस रबर बल्ब को दबाकर हवा भरना पड़ता है, फिर वो इस कनेक्टिंग ट्यूब के थ्रू इस स्फिग्मोमैनोमीटर कफ में जाता है, वहां से हवा इस ट्यूब के थ्रू मर्करी टैंक में चलाता है। एयर प्रेशर मर्करी पे अपना दबाव डालती है और मर्करी यहां से ऊपर की तरफ उठता है। वैसे तो स्फिग्मोमैनोमीटर को बहुत सारे कामों में लगाया जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा काम है ब्लड प्रेशर मापना। आपको पता है कि एक स्वस्थ आदमी का प्रेशर 120 ओवर 80 मिलीमीटर मर्करी होता है। यहां पर 120 मिलीमीटर मर्करी है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या SBP और 80 मिलीमीटर मर्करी है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या DBP। इसका मतलब जब भी आप एक ब्लड प्रेशर रीडिंग ले रहे होते हैं तो आपको 2 वैल्यूज पता करना पड़ता है, और जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ऑस्कल्टेटरी मेथड। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा और भी 2 मेथड हैं, पाल्पेटरी मेथड जो कि हॉस्पिटल में कई बार हम लोग यूज करते हैं ऑस्कल्टेटरी मेथड से ठीक पहले, और दूसरी है ऑसिलेटरी मेथड जिसे कभी यूज नहीं किया जाता क्योंकि उससे कुछ भी ठीक से नहीं मिलता। तो अगर आप इन दोनों मेथड के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं अपने मेन मेथड यानी ऑस्कल्टेटरी मेथड को लेकर। पहली बार शायद आपको 5 मिनट भी लग जाए, लेकिन एक बार सीख जाने पर सिर्फ 2 मिनट में आप किसी का भी ब्लड प्रेशर माप सकते हैं।
अब आप जिनका ब्लड प्रेशर मापना चाहते हैं वो अगर लेटे रहे तो बेस्ट है, लेकिन काफी वक्त ऐसा मुमकिन नहीं होता, इसलिए बिठाकर भी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ध्यान रहे कि हाथ उनके दिल के लेवल पर हो, हाथ लगभग सीधी होनी चाहिए। दाएं हाथ पर कफ बांधे या बाएं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड तौर पर हम दाएं हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। तुझे देख बीपी मेरा क्यों बढ़ जाता है, बता तू जग से हट के ध्यान मेरा से तुझ पे जाता क्यों, बता तू। अब स्फिग्मोमैनोमीटर का कफ लें, देखें कि उसमें हवा तो नहीं है, और अगर हो तो दबाकर निकाल दीजिए। फिर कफ को बाजू पर बांधना होगा। ध्यान दीजिए कि कफ का जो सेंटर है या जो ट्यूब्स है वो हाथ के ऊपर या अंदर की तरफ होने चाहिए। जी हाँ, ऊपर या अंदर की तरफ, बाहर या नीचे की तरफ नहीं। कोहनी से कफ लगभग 1 इंच ऊपर होने चाहिए। अब सवाल ये भी उठेगा कि कितना कसकर बांधना चाहिए, एकदम टाइट भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लूज भी नहीं होना चाहिए। सब ठीक है कि नहीं ये जानने के लिए अपनी उंगली घुसाकर देखिए कि कितना मजा आता है। क्या यार बैडी, कभी भी टपक पड़ता है। अरे गुड्डू, इतना फकने का क्या फायदा, कौन सुनेगा तेरी। कोई तो होगा या होगी, प्लीज यार जाना। ठीक है तू फक फक करते रहे, मैं तो गया। हाँ तो अगर कफ और हाथ के बीच में अगर आपकी छोटी उंगली भी ना घुसे, इसका मतलब एकदम टाइट हो गया है, और अगर 3 से ज्यादा उंगली घुस जाए इसका मतलब बिल्कुल लूज हो गया है। कफ को खोलिए और फिर से बांधिए। ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम ब्रैकियल आर्टरी का सहारा लेते हैं, जो कोहनी के पास बाइसेप्स के इनर बॉर्डर से गुजरती हुई जाती है और पूरे हाथ को ब्लड सप्लाई करती है। अब अपने स्टेथो को कान में लगा लें और उसके चेस्ट पीस को कोहनी के ठीक इस जगह पर रखते हैं। अब रबर बल्ब को अपने दूसरे हाथ में उठा लीजिए, बल्ब को घुमाकर बंद कर दीजिए और भरिए हवा कफ में। आप देखेंगे कि मर्करी लेवल भी ऊपर चढ़ रहा है। अभी से आपका ध्यान 2 जगह पर होगा, एक मर्करी लेवल पर और दूसरा अपने कानों की ओर कि कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं। अगर आप स्फिग्मोमैनोमीटर पहली बार यूज कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप पहले एक बार जो मैं कहने वाला हूं उसे ट्राई करके देखिए। कफ को सही तरीके से बांध दिया, ठीक है। स्टेथोस्कोप को सही जगह पर रखा, ठीक है। अब मर्करी लेवल को 40 तक उठाइए, सुनने की कोशिश कीजिए, कुछ सुनाई दे रहा है नहीं। अब मर्करी लेवल को 100 तक उठाइए, सुनाई दे रहा है। जी हाँ, एक ढक ढक करके आवाज सुनाई दे रहा है। अब मर्करी लेवल को 160 तक उठाइए, सुनाई दे रहा है जी नहीं। तो आपने देखा कि आवाजें आपको सिर्फ एक रेंज में ही सुनने को मिलेगी। इसी रेंज के ऊपर वाली वैल्यू है SBP और नीचे वाली वैल्यू है DBP। तो अब इसी रेंज को जानने के लिए मर्करी को पहले ऊपर 160 या 170 तक चढ़ाइए। अगर उम्र 50 साल से ज्यादा है या हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो 200 तक चढ़ाइए। अब वाल्व को हल्का सा खोलिए ताकि मर्करी हर सेकंड 2 से 4 मिलीमीटर यानी 1 या 2 दाग करके नीचे गिरे। जिस लेवल पे आपको आवाज सुनाई देने लगेगी उसे नोट कीजिए, ये है SBP। मर्करी नीचे गिरे जा रहा है, आवाज भी पहले जोरदार फिर हल्की होती चली जाएगी, और ठीक जिस लेवल पे आवाज बंद हो जाएगी उसे नोट कीजिए, ये है DBP। अब वाल्व को पूरा खोल दीजिए, आपको BP रीडिंग मिल चुका है। Congratulations। अब अनबॉक्सिंग की है तो बताना तो चाहिए कि किस टाइप की स्फिग्मोमैनोमीटर आप खरीद सकते हैं। तीनों के खूबियां कमियां और कीमत देख लेते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर को स्टैंडर्ड स्फिग्मोमैनोमीटर माना जाता है क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट सबसे सटीक रीडिंग देता है। यानी अगर 3 तरह के बीपी मशीन से हमने एक ही आदमी का ब्लड प्रेशर मापा और 3 अलग अलग रीडिंग आए तो मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर वाले रीडिंग को ही सटीक माना जाएगा। ये काफी टिकाऊ होते हैं, यानी एक बार खरीद डाला तो लाइफ जिंगा लाला। वैसे भी इनके पार्ट्स काफी सस्ते होते हैं, इसलिए अगर कुछ खराब भी हो जाए तब भी रिपेयर करना काफी आसान होता है। एनेरॉइड के मुकाबले इनके मार्किंग्स बड़े होते हैं और इसलिए रीडिंग लेने में भी आसानी होती है। ये करीब 1 से 1.5 केजी के होते हैं जो कि बाकी दोनों के मुकाबले भारी है। केवल इसे ही ब्लड प्रेशर मापते वक्त सीधा रखना पड़ता है, यानी आपको बेड या टेबल जैसे किसी फ्लैट सर्फेस की जरूरत होगी। इनकी कीमत करीब 1500 रुपए से शुरू हो जाती है। अगर आपको लगता है कि ये दो कमियां आपके लिए कोई कमियां नहीं है
तो आप डेफिनेटली इसे ही खरीद सकते हैं। ये काफी सस्ते और हल्के होते हैं, इसलिए इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कभी भी किसी पे भी यूज कर सकते हैं। मर्करी की तरह इसे कहीं पर रखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप कफ पर भी फिक्स कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर सस्ते चीजों की तरह इनका भी प्रॉब्लम ये है कि ये शुरू से ही 2-4-6 मिलीमीटर मर्करी इधर उधर की रीडिंग देते रहते हैं। अगर शुरू में सही भी हो तब भी इनके अंदर कॉइल्स और स्प्रिंग्स लगे होने के कारण वक्त के साथ साथ ये अपनी एक्यूरेसी खोने लगते हैं। इसलिए साल में 1 या 2 बार इन्हें मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर के साथ कैलिब्रेट करवाना पड़ता है। ये काफी नाजुक मशीन होते हैं, इसलिए कहीं ठुक जाने पर अंदर ही अंदर इनके पुर्जे ढीले पड़ सकते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलने वाला। इनकी कीमत करीब 600 रुपए से शुरू हो जाती है। अगर आपको लगता है कि भैया हमें एग्जैक्ट रीडिंग से क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ एक हल्का फुल्का सीधा साधा मशीन चाहिए जो कि भरोसेमंद रीडिंग देता हो, तो फिर आप यही खरीदें। अब आप पूछेंगे कि कई सारे डॉक्टर्स भी तो इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके पास नॉर्मल के मुकाबले 3 से 10 गुना कीमती मशीन होते हैं और कोई कोई इन्हें इंपोर्ट भी करवाते हैं। इसके अलावा इन्हें रेगुलर कैलिब्रेशन करवाया जाता है, इसलिए उन्हें हमेशा ही एक्यूरेट रीडिंग मिलता है। केवल इनको ही यूज करते वक्त आपको अलग से स्टेथो की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टेथो की बात आती है तो आराम से आपको 300 रुपए के अंदर एक स्टेथोस्कोप मिल जाएगा, जैसे मेरा वाला मैंने खरीदा था 250 रुपए में। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ कफ लगाओ और बटन दबाओ और बीपी रीडिंग अपने आप मिल जाएगा। एनेरॉइड की तरह ही इन्हें भी कैरी करना काफी आसान है, लेकिन कीमती होने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। बीपी रीडिंग देने में ये सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं और ना ही ज्यादा दिन टिकते हैं। इनकी कीमत भी करीब 1500 रुपए से शुरू हो जाती है। मैं तो बिल्कुल भी इसे रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन जिन्हें दिखने में या सुनने में प्रॉब्लम है, या बुजुर्ग व्यक्ति या फिर जो बहुत ज्यादा आलसी है, उनके लिए यही सही रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन रिलेटिव्स के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। नया चैनल है, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अभी अलविदा है कहना, अभी अलविदा है कहना, अभी अलविदा है कहना, अभी अलविदा है।